आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बड़वा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बावड़ी खेड़ा में आज बड़ी ही धूमधाम से संत सिंगाजी पूर्णिमा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में आज लगभग 40 किलो घी के हलवे का प्रसाद बनवाया गया। साथ ही गांव वालों ने आज संत सिंगाजी के भजनों के साथ गायन कर व आरती गायन कर प्रसादी वितरण किया। बावड़ी खेड़ा सरपंच प्रतिनिधि विनोद भाई मंडलोई ने बताया कि यहां पर कई वर्षों पहले संत सिंगाजी इस गांव में खजूरी से आते समय यहां पर एक रात्रि का विश्राम किया था, तभी से संत सिंगाजी के सम्मान में आज तक शरद पूर्णिमा का महोत्सव सिंगाजी पूर्णिमा के रूप में मनाते आ रहे हैं। जो आज कार्यक्रम हो रहा है, क्या मामला है? ये हमारे ग्राम बावड़ी खेड़ा में ये शरद पूर्णिमा महोत्सव, जिसे हमारे निमाड़ के अंदर सिंगाजी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जब संत सिंगाजी महाराज ग्राम खजूरी से सिंगाजी पिपलिया धाम के लिए निकले, तो हमारे पूर्वज और गांव में ये बताया जाता है कि काफ़ी वर्षों से 550 साल के आसपास हमारे गांव को बसे हुए हो गए हैं। उस समय से ही सिंगाजी महाराज जब इधर से निकले तो उनका एक ठहराव स्थान विश्राम हुआ था। जब से गाँव में हमारे यहाँ जादम परिवार है, वहाँ पर पहले सिंगाजी महाराज के चरण पादुका पूजी जाती थी, जब से परंपरा है, और उसके बाद में हमारे यहाँ पे भी सालों से वर्षों से, पर सन 1998 में पूरे गांव में समाज वालों ने, पूरे क्षेत्र वालों ने मिलकर, गुर्जर समाज ने मिलकर मंदिर का निर्माण कराया, और उस वर्ष से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ सन 98 से भजन कीर्तन होता है और हलवा प्रसादी वितरण होता है, तो प्रतिवर्ष आसपास क्षेत्र की जनमानस भी बढ़ता जा रहा है, और आज कम से कम हमारे यहाँ 40 से 45 किलो घी का कड़ावा है, जो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, और अभी इस वर्ष नई परंपरा भी हमारे गांव में चालू करी है कि सुबह पूरे गांव में सिंगाजी महाराज के छड़ी निशान की परिक्रमा की गई, और ये उत्सव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर दौलत सिंह गुर्जर, ग्राम बावड़ी।